हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, ये अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है और ये अपडेट उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी जो विद्यार्थी आईटी एनसीवीटी करने से वंचित रह गए थे, यानी आईटी में दाखिला नहीं ले पाए थे किसी कारणवश। तो डीजीटी यानी भारत सरकार के द्वारा आईटी में प्रवेश लेने के लिए एक बार फिर जो डेट है वो जारी कर दी गई है। तो आइए जानते हैं इस अपडेट में डीजीटी के द्वारा एडमिशन के रिगार्डिंग क्या अपडेट जारी की गई है। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ऊपर लिखा हुआ है डीजीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार यानी आईटी एनसीवीटी के जितने भी कोर्स हैं वो डीजीटी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, यानी भारत सरकार के अंडर में वो कार्य करते हैं। उसके बाद में डेट यहाँ पे मेंशन की हुई देख सकते हो 3 फरवरी 2021 को, यानी ये अपडेट है ये आज ही डीजीटी के द्वारा जारी की गई है। तो सब्जेक्ट में हम पढ़ लेते हैं, देख सकते हो एक्सटेंशन ऑफ एडमिशन क्लोजिंग डेट फॉर 1 ईयर कोर्स सेशन, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2020 और 2021, एक साल का जो कोर्स होता है उनका सेशन देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है 2020-21, और 2 ईयर कोर्स का जो सेशन है वो देख सकते हो 2020 से लेकर 2022 तक चले है। ऑफ द क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अप टू 15 फरवरी 2021, यानी जो विद्यार्थी आईटी एनसीवीटी करने से वंचित रह गए थे किसी कारण वो दाखिला नहीं ले पाए थे, उन सभी विद्यार्थियों के लिए गोल्डन चांस रहेगा। और लास्ट डेट जो है आईटी में प्रवेश के लिए दाखिला लेने के लिए वो है 15 फरवरी 2021। उसके बाद में देखिए आईटी के एडमिशन जो चले थे एनसीवीटी के, ठीक है ना, उसकी जो लास्ट जो डेट थी वो थी 16 जनवरी 2021। काफ़ी काउंसलिंग हुई थी उसके बाद में फिर भी विद्यार्थियों को मौका दिया गया था, तो लास्ट डेट थी आपकी 16 जनवरी 2021। अब जो डेट जो है जारी कर दी गई है देख सकते हो यहाँ पे मेंशन की हुई है 15 फरवरी 2021। तो देख लेते हैं एक टाइमलाइन जो है जारी की गई है डीजीटी के द्वारा। नंबर फर्स्ट में यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ऑफ ट्रेनिंग बाय स्टेट डायरेक्टर। तो देखिए जो आईटीआई में एडमिशन स्टार्ट हुए थे वो 5 अगस्त 2020 से हुए थे, ठीक है ना। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग जो है डेट जारी की गई थी आईटीआई में दाखिले के लिए, इसी तरह यहाँ पे जो डेट दी हुई है। तो अब ये आपको देखते हैं भी कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं या परसों से होते हैं, एक दो दिन में पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट है यानी डीजीटी के अंदर कार्य करती है तो उनकी वो डेट है वो कल या परसों तक जारी कर दी जाएगी। उसके बाद में देख सकते हो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आईटीआई के लिए रहेगा 15 फरवरी 2021। उसके बाद नंबर 3 में देखिए स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन, ठीक है, 2020 और 2022 के जो विद्यार्थी यानी जिनकी 2 साल का ट्रेड रहेगा उनका जो रहेगा देख सकते हो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2020, ठीक है ना, स्टार्टिंग रहेगा उनका। और एंड ऑफ ट्रेनिंग सेशन देख सकते हो आप 2020 और 2021 का रहेगा 16 अक्टूबर 2021, और इंक्लूडेड सैटरडे यानी सैटरडे को भी आईटी लगेगी। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों कंप्लीट मैंने बता दिए हैं आपको, फिर भी देख सकते हैं इसके अंदर पूरा बताया हुआ है कैसे कैसे हैं। तो इससे संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि अपडेट जरूर पसंद आएगी। और दूसरा बता देता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, आईटीआई का ही एक मात्र ऐसा कोर्स है जो कि एनसीवीटी का, जिससे आप स्वयं रोजगार कर सकते हो, ठीक है, और रोजगार प्राप्त करने में काफ़ी सहायक ये सर्टिफिकेट ये डिप्लोमा है जो डीजीटी के द्वारा जारी किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा सीखने को जो मिलता है वो आईटीआई के विद्यार्थियों को मिलता है। आज के इसके आधुनिक युग के अंदर अगर जॉब प्राप्त करना चाहते हो तो प्रिय विद्यार्थियों आप आईटीआई करिए और अपने अंदर एक दक्ष यानी एक स्किल पैदा करिए जिसकी वजह से आप एक अच्छा मैकेनिक बन सकते हो, एक अच्छा कारीगर बन सकते हो, एक अच्छा इंजीनियर बन सकते हो और अपना एक रोजगार भी स्थापित कर सकते हो। मेरे चैनल पे एक बार विजिट जरूर करना, काफ़ी अच्छी आईटीआई के बारे में जो आईटीआई क्या होती है, किस तरह की स्टडी करवाई जाती है, लाइव क्लासें भी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करवाई हुई है। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको लगे कि भी हाँ चैनल के अंदर जो भी है आपसे संबंधित मटेरियल है मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, बच्चों को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसी के अनुसार ही आपको लाइव आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट के अंदर आप एक बार मॉडल पे जरूर विजिट करना, आईटीआई के अंदर किस तरह के मॉडल बच्चों को बनवाए जाते हैं, सारे जितने मॉडल हैं वो सभी विद्यार्थियों के बनाए हुए हैं, बाय नेम उसमें एड्रेस बच्चों के दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। आप अगर एक बार अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आशा करता हूँ कि अपडेट जो है एडमिशन के रिगार्डिंग जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें मोटिवेट करें आईटीआई करने के लिए। आशा करता हूँ कि अपडेट और ये जो मैंने आपको बताया है आपको जरूर पसंद आएगा। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक का, तब तक आपको जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।